नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। महिलाएं और लड़कियां दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विज्ञान सभी के लिए, ये स्त्री महिलाओं या पुरुष में किसी में फर्क नहीं करता है। आज के युग को विज्ञान की जरूरत है और विज्ञान को महिलाओं की, ताकि वो अलग अलग खोजें कर सके, अपना सशक्तिकरण कर सके और पूरी मानवता का विकास कर सके। इसीलिए हर वर्ष को 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। इस दिन मनाने का संकल्प यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 2015 में लिया, जिसमें ये कहा गया कि जितनी भी महिलाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया है उनको पहचान दिलाई जाए, उनको इस दिन याद किया जाए। तो विश्व के इतिहास में ऐसी अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है और अनेक ऐसी खोजें की हैं, जैसे कि मैरी क्यूरी, उन्हें 2 नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है, एक तो फिजिक्स के क्षेत्र में और एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इस दिन को मनाने का मकसद यही था कि जितनी भी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है उनको पहचान दिलाई जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए और विभिन्न प्रकार की खोजें करने के लिए उन्हें प्रेरित और उनका बढ़ावा दिया जाए। यूनेस्को के डेटा के अनुसार वर्तमान में मात्र 33% महिलाएं ही रिसर्च फेलो है जो कि साइंस के क्षेत्र में काम कर रही है। मात्र ऐसी 44% महिलाएं हैं जो पीएचडी के क्षेत्र में दाखिला लेती है और उन्हें पूर्ण कर पाती है, और ऐसे ही 70% से अधिक महिलाएं हैं जो कि स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है, और इसी क्षेत्र के पुरुषों के मुकाबले उन्हें 11% से कम भुगतान किया जाता है। तो इसी को देखते हुए ये दिन मनाया गया जिसमें महिलाओं की पहचान की जा सके, उनके योगदान की सराहना की जा सके और महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है उनको कम किया जा सके। यदि भारत में हम विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की बात करें तो उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। भारत में मात्र 14% महिलाएं ही रिसर्च के क्षेत्र में जाती है, पर कभी ग्लोबली देखें तो ये 28% है। और वहीं दूसरी ओर इसरो में कभी महिला टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो ये मात्र 8% है, और IIT में मात्र 10% एप्लीकेंट्स ही महिलाएं होती है। भारत में कभी महिला साइंस फैकल्टी की बात की जाए तो ये मात्र 25% ही है। तो अब हम देखेंगे कि भारत में ऐसी कौन सी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्ण योगदान दिया, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेसी थॉमस जी के बारे में। इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें DRDO के तहत अग्नि 4 और अग्नि 5 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया था, और ये भारत में ऐसी पहली महिला है जिन्होंने DRDO में किसी प्रोजेक्ट को हेड किया था। अब हम बात करेंगे रितु करिधल जी के बारे में। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें चंद्रयान 2 के तहत प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी है, और मिशन मंगल के तहत इन्होंने डिप्टी ऑपरेशनल डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। अब हम बात करेंगे मुथैया वनिता जी के बारे में। यह चंद्रयान 2 के समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी है। यह इसरो के तहत पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कोई इंटरप्लेनेटरी मिशन को हेड किया हो। अब हम बात करेंगे मंगला मणि जी के बारे में। इन्हें इसरो की पोलर वुमेन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अंटार्कटिका में 403 दिन व्यतीत किए थे, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे जानकी अम्माल जी के बारे में। ये भारत में पहली ऐसी महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें 1972 में पद्मश्री से नवाजा गया, और ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल भी रह चुकी है। इन्होंने साइटोजेनेसिस के क्षेत्र में काम किया था जो कि जेनेटिक्स की एक ब्रांच है। साइटोजेनेसिस के क्षेत्र में काम करके ये बताया था कि कैसे क्रोमोजोम सेल बिहेवियर से संबंधित है। इनका जो दूसरा कार्य का क्षेत्र था वो था फाइटोजियोग्राफी, जिसमें प्लांट स्पेसिस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे कमला सोनी जी के बारे में। ये भारत की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने साइंस डिसिप्लिन में PhD हासिल की थी। जब ये रिसर्च फेलोशिप के लिए IISc बेंगलोर गए थे तो तब इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, बस इसी वजह से क्योंकि एक महिला थी। बाद में इन्होंने डॉक्टर CV रमन के अंडर अपनी रिसर्च पूरी की, और इन्होंने बाद में साइटोक्रोम सी की डिस्कवरी की जो कि प्लांट टिश्यू की सेल में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे असीमा चटर्जी जी के बारे में। इन्होंने फाइटोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम किया जिसमें प्लांट से अलग अलग केमिकल्स डिराइव किए जाते हैं। इन्होंने विंके एल्केलॉइड्स को पेरीविंकल से एक्सट्रैक्ट किया जिसमें कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है।
तो दोस्तों, आपको कभी हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।